ये बताओ नेक्स्ट, पदानाम अभिलंबो उच्चारणम किसके लिए आया? सब पदानाम अभिलंबो उच्चारणम किसके लिए आया है? राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर फास्ट सन्निधि है ना, सन्निधि इज राइट आंसर, सन्निधि राइट आंसर है। अर्थ अबाधो किसके लिए बोला गया है? अर्थ अबाधो प्रत्यक्ष बाधक भाव का आंसर नहीं है, है ना। हम लोग जो पढ़ते हैं वाक्यार्थ बोधक वृत्ति, वाक्यार्थ बोधक हेतु, राइट आंसर योग्यता, योग्यता इज द राइट आंसर। दोष व्यसन, ये कौन सा कारण है? समवायिक कारण, असमवायिक कारण, निमित्त कारण, याद है किसी को? दोष व्यसन में ये कौन सा कारण है? राइट आंसर क्या जाएगा? दोष व्यसन में समवायी या असमवायी? समवायी कारण राइट आंसर। ये बताओ मुझे कौन से पाक में केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं? कौन से पाक में केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं? पीलू या पिठार? पीलू पाक राइट आंसर है। संकेत ग्रह उपाय कितने बताए गए हैं? संकेत ग्रह उपाय कितने बताए हैं? राइट आंसर क्या जाएगा? संकेत ग्रह उपाय कितने बताए गए हैं? जल्दी बताओ मुझे, संकेत ग्रह उपाय राइट आंसर 8 जाएगा, है ना। राइट आंसर 8 सही है, 8, 8 करेक्ट आंसर। चलो ये बताओ मुझे, स्थान क्या है? ताक्षिल्य कल्पना अर्थाश्रय में से एक आंसर चूज करो जल्दी से। स्थान क्या है? स्थान ताक्षिल्य है, कल्पना है, अर्थाश्रय है, पता है किसी को स्थान क्या है? स्थान सबसे पहला आंसर मुझे ताक्षिल मिल रहा है, ताक्षिल्य। चलिए ताक्षिल्य इज द राइट आंसर, ताक्षिल्य इज द राइट आंसर। 42 तंत्रिक्ति किसने बताई है? 42 तंत्रिक्ति कौन से आचार्य ने बताई है? राइट आंसर हरि, हरि किसने लिख दिया है? भाव प्रकाश इज द राइट आंसर, भाव प्रकाश। चलो ये बताओ मुझे, एक आंसर मुझे लिखना है ना, एक ही संख्या में, यम नियम चित्त वृत्ति चित्त भूमिका, योग दर्शन के अकॉर्डिंग एक सिंगल आंसर होना चाहिए। सभी क्या है? 6 6 6 6 6 6 7 7 8 5 5 5 इज द राइट आंसर, 5 5 5 5 5 इज द राइट आंसर। कौन से दर्शन में कुल सूत्र 5 5 5 होते हैं? अगला बताओ, अगला आंसर। कौन से दर्शन में कुल सूत्र 5 5 5 होते हैं? जल्दी, वेदांत, वेरी गुड। किसने लिखा है? वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर, वेदांत, वेरी गुड, वेदांत दर्शन इज द राइट आंसर। पंच यज्ञ किसने मेंशन किए हैं? कौन से दर्शन के अंदर पंच यज्ञ नाम आए हैं? पंच यज्ञ, जल्दी। मीमांस, मीमांस इज द राइट आंसर, है ना, पूर्व मीमांस इज द राइट आंसर। अगली कोटेशन किसने बताई है? चैतन्य विशिष्ट काया पुरुषः, चैतन्य विशिष्ट काया पुरुषः, ये किसने बताया है? ये किसने बताया है? मुझे जल्दी से आंसर चाहिए, आंसर चाहिए। राइट आंसर क्या जाएगा? चार्वाक, चार्वाक, चार्वाक इज द राइट आंसर। तीन मोक्ष मार्ग होते हैं, ये किसने मेंशन किया है? जल्दी बताओ मुझे, तीन मोक्ष मार्ग, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, जैन दर्शन इज द राइट आंसर, जैन दर्शन। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग षड पदार्थ में पहले दो नंबर कौन सा आता है? फर्स्ट एंड सेकंड कौन से हैं? सीक्वेंस में मुझे आंसर चाहिए। फर्स्ट में द्रव्य है कि गुण है, कि गुण है कि द्रव्य है, कि सामान्य विशेष है? आचार्य चरक के अकॉर्डिंग पूछा है मैंने, चरक के अकॉर्डिंग सीक्वेंस, आचार्य चरक के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या आएगा? सामान्यम च विशेषम च, सही है, सामान्य विशेष सीक्वेंस रहेगा, सबसे पहले सामान्य है, विशेष है, फिर क्या आएगा नंबर तीन? जल्दी जल्दी बताओ, सामान्य विशेष मैंने लिख दिया है आपके अकॉर्डिंग, नंबर तीन और मुझे बता दो, थर्ड नंबर पे क्या है? थर्ड नंबर पे गुण है कि द्रव्य है? गुण है कि द्रव्य है, गुण, गुण राइट आंसर नंबर तीन। ठीक है चलो आप देख लेना, चरक सूत्र चैप्टर नंबर 1 में देख लेना, आगे चलते हैं। यत्र आश्रिता डेस कारणम समवाय यत तत्, ये फिलिंदा ब्लैंक्स भर दो, चरक सूत्र चैप्टर नंबर 1। यत्र आश्रिता क्या है? यत्र आश्रिता, यत्र आश्रिता राइट आंसर, यत्र आश्रिता कर्म गुण, कर्म गुण, गुण कर्म है कि कर्म गुण है? गुण कर्म है या कर्म गुण है? कर्म गुण इज द राइट आंसर। यत तद, यत तद, यत तद राइट आंसर, यत तद, यत तद द्रव्यम कर्मम गुणम राइट आंसर, द्रव्यम। साइंद्रिय द्रव्य किसको बोलते हैं हम लोग? साइंद्रिय द्रव्य, चेतन द्रव्य या चेतन द्रव्य? साइंद्रिय द्रव्य होते हैं, चेतन द्रव्य, ठीक है चलो, चेतन द्रव्य है ना। अब बताओ मुझे, जो हम लोग प्लांट के चार डिवीजन पढ़ते हैं उसमें प्रताने किसको बोला है? प्रताने स्मृतः, प्रताने किसके लिए आया है? लता के लिए, वृद्ध के लिए, औषधि के लिए, किसके लिए आया है? राइट आंसर विरुद्ध है ना, विरुद्ध, विरुद्ध बोलते हैं जिसको, राइट आंसर जाएगा। चलो लोग नेक्स्ट, नेक्स्ट। मार्दव सौसिर लाद्वम, ये कौन से महाभूत युक्त गुण के कर्म है? कौन सा महाभूत युक्त द्रव्य है उसके कर्म माने गए? मार्दव सौसिर और लाद्वम, समझ लो मेरी बात, वायु या आकाश, तीन क्वालिटी आपके सामने दी गई है और आपको देख के बताना है।
ये कौन से महाभूत युक्त द्रव्यों के कर्म है? जल्दी जल्दी बताओ मुझे, महाभूत युक्त द्रव्यों के कर्म है, ये कौन से महाभूत युक्त द्रव्यों के कर्म है? मार्दव, स्वशिर और लाद्वम। राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या जाएगा? कुछ लोग कह रहे हैं विरुद्ध आकाश। अभी ठीक है बॉयस, राइट आंसर इसका क्या जाएगा? राइट, चलो तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा? आकाश। अभी बताओ, मनस के बारे में कुछ चीजें लिखी हैं, जल्दी जल्दी आंसर मुझे बताते चलो। इंद्रिय विग्रह क्या है, विचार क्या है, अणुत्तम क्या है, संकल्प क्या है, और ज्ञानस्य भाव अभाव क्या है? ये मन के क्या है? गुण है, कर्म है, लक्षण है, विषय है, क्या है? आंसर बताते चलो जल्दी से मुझे। इंद्रिय विग्रह क्या है? इंद्रिय विग्रह क्या है? कर्म है। विचार क्या है? विचार, जल्दी जल्दी, विचार विचार विषय है। अणुत्तम क्या है? अणुत्वम, अणुत्वम कर्म है। कर्म, कर्म लिख दूं? कर्म नहीं लिखा जाएगा, गुण राइट आंसर। संकल्प क्या है? संकल्प, संकल्प, संकल्प क्या है? संकल्प, गुण लिख रहे हैं यार। विषय राइट आंसर, विषय इधर राइट आंसर। ज्ञानस्य भाव और अभाव, ज्ञानस्य भाव और अभाव क्या है? लक्षण है मन का, है ना, मन के लक्षण है। ठीक है चलो, मन का नियंत्रण और प्रणेता किसको माना गया? नियता प्रणेता चा मनसा, किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा, बात के द्वारा। राइट आंसर। कौन से पुराण में पांच रूप पुरुष पंचक आत्मा के लिए बताए गए हैं? कौन सा ऐसा पुराण है जिसमें पांच रूप बताए हैं पुरुष पंचक आत्मा के लिए बताए गए हैं? किसी को पता है ऐसे पुराण का नाम? वेरी इंपॉर्टेंट पुराण, विष्णु पुराण। वेरी गुड विशाल पाटिल जी, विष्णु पुराण राइट आंसर। ठीक है, एक और यूनिक क्वेश्चन है, इसको मुझे बता दो जल्दी से मुझे। कौन सी स्मृति में आत्मा को तप्त लोह पिंड स्वरूप के समान बोला गया है? पता है किसी को? मैंने आंसर हिंट भी दे दिया है। स्मृति, स्मृति मतलब मनु नहीं है, मनु नहीं है, रवि रंग हो गया यार, मनु स्मृति नहीं है। याज्ञवल्क्य, वेरी गुड डॉक्टर सोनम, वेरी गुड एक्सीलेंट आंसर। याज्ञवल्क्य स्मृति। चलो बताओ, आचार्य चरक के अकॉर्डिंग त्रिदंड कौन कौन से होते हैं? पहले चैप्टर में त्रिदंड आए ना, बताओगे जल्दी से मुझे त्रिदंड कौन कौन से हैं? आचार्य चरक के अकॉर्डिंग त्रिदंड कौन से? सत्व आत्मा शरीर, सत्व आत्मा शरीर इज द राइट आंसर, सत्व आत्मा शरीर। नेक्स्ट, चैतन्य कारणम नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया, पहले चैप्टर में किसके लिए आया ये? चैतन्य कारणम नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया, आत्मा के लिए, आत्मा के लिए आया है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार तितिक्षा कौन से मनस के टाइप की क्वालिटी है? सात्विक, 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 सात्विक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, राशि पुरुष और संयोग पुरुष कितने विंशति पुरुष वाला होता है? चतुर्विंशति, षट, षट धातुजा। राइट आंसर, राइट आंसर क्या जाएगा? है ना, 24 तत्व पुरुष लिख देता हूँ, ठीक है समझ लेना। चिकित्सीय पुरुष और कर्म पुरुष, चिकित्सीय पुरुष और कर्म पुरुष, षट धातुजा, षट धातुजा इज द राइट आंसर। आचार्य सुश्रुत के अनुसार ये कोटेशन कहाँ पर आई है? ना सूक्ष्मापि कला नाम लियते थी, याद है सुश्रुत सूत्र चैप्टर नंबर 6, काल, काल इज द राइट आंसर। ये बताओ मुझे, अवाची कौन सी दिशा का पर्याय? अवाची सुना है आपने? अवाची, अवाची कौन सी दिशा का पर्याय है? पश्चिम, दक्षिण, पश्चिम, दक्षिण, क्या लगा रहे हो आप लोग? दक्षिण, उत्तर भी आ गया यार, उत्तर भी लिख दिया किसी ने, क्या दिक्कत है इसमें? दक्षिण इज द राइट आंसर। दक्षिण दिशा में रस शास्त्र में क्या करते हैं? रस शास्त्र में दक्षिण दिशा में क्या करते हैं? जल्दी बताओ मुझे, रस शास्त्र में दक्षिण दिशा अवाची दिशा में क्या करते हैं? राइट आंसर, पाषाण कर्म। चलो, तुल्यार्थ ही, फिल इन द ब्लैंक्स भरो। तुल्यार्थ ही सामान्य है कि विशेष है? तुल्यार्थ ही सामान्य है, ठीक है। कौन सा सामान्य है बताओ जल्दी से मुझे? तुल्यार्थ ही सामान्यम, कौन सा सामान्य हम लोग लगाएंगे? गुण सामान्य, कर्म सामान्य, द्रव्य सामान्य। राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर, राइट आंसर, गुण, 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 द्रव्य। कुछ ने कर्म भी लिख दिया है, कर्म इज रॉन्ग आंसर। कर्म रॉन्ग है, गुण रॉन्ग है, गुण रॉन्ग है यार, कर्म सामान्य है ये, कर्म सामान्य है ये, कर्म सामान्य सही है। तुल्यार्थ सामान्यम, कर्म सामान्य है, कितने लोग मानते हैं? यस और नो, जल्दी, कर्म सामान्य है या नहीं? यस और नो, फास्ट फास्ट। तुल्यार्थ ही सामान्य, कर्म सामान्य है, कितने लोग मानते हैं इसको? यस लिखो जल्दी से, जल्दी से। कर्म है कि गुण सामान्य है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, बहुत बेसिक, ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। चलो, तुल्यार्थ ही सामान्य है, कौन सा सामान्य है ये? कर्म है, कर्म। तुल्यार्थ ही सामान्य है, कौन सा सामान्य है? कर्म, कर्म इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सा नित्यो यति द्रव्यम ना तत्र नियतो गुणः, ये किसके लिए आया है कोटेशन? आचार्य चरक के अकॉर्डिंग है कोटेशन किसके लिए आई है? ये कोटेशन किसके लिए आई है? गुण के लिए, गुण के लिए, कर्म के लिए।
कर्म के लिए। सा नित्यो यति ही द्रव्यम ना तत्र नियतो गुण। समवाय के लिए, वेरी गुड, समवाय इज द राइट आंसर। समवाय, समवाय राइट आंसर है। ये बताओ मुझे, पांच लौकिक कर्म कौन से आचार्य ने बताए हैं? पांच तरीके के लौकिक कर्म आपने सुने हैं ना। वैशेषिक इज द राइट आंसर, वैशेषिक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट दलील देखते चलो। समवायि तु निश्चेष्ट कारणम क्या है? अब बताओ मुझे, समवायि तु निश्चेष्ट कारणम गुण है कि द्रव्य है कि समवाय है? गुण इज द राइट आंसर। अध्यात्म गुण संख्या चरक के अकॉर्डिंग, आचार्य चरक ने 41 गुण बताए हैं, उनमें अध्यात्म गुण कितने होते हैं पता है किसी को? अध्यात्म गुण सिक्स, सिक्स सिक्स इज द राइट आंसर। ऐसे गुण जो चिकित्सा सिद्धि उपाय होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? पराधि। 10 राइट आंसर है ना, 10 राइट आंसर पराधि। ये बताओ मुझे, कौन से आत्मगुण के दो पर्याय हैं? उत्साह और समारंभ। एक आत्मगुण होता है, उसके पर्याय हैं उत्साह और समारंभ। किसी को पता है उसका नाम? उत्साह और समारंभ। एक आत्म गुण है, उसका नाम चाहिए मुझे। प्रयत्न इज द राइट आंसर, प्रयत्न इज द राइट आंसर। कौन से आचार्य ने सबसे पहले शुष्क गुण बताया है? कौन से आचार्य ने सबसे पहले शुष्क गुण बताया है? राइट आंसर क्या जाएगा? सुश्रुत भाव प्रकाश। शुष्क गुण पूछा है मैंने, दुर्गंध सुगंध नहीं पूछा है। सबसे पहले शुष्क गुण एक्सप्लेन किसने किया है? राइट आंसर, शुष्क गुण, शुष्क गुण सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया है? भाव प्रकाश। भाव प्रकाश इज द राइट आंसर, भाव प्रकाश। चलो बताओ मुझे, गंध कौन से गुण का टाइप है? पता है किसी को गंध गुण या कौन से गुण का टाइप होता है? आत्मा गुण, परादी गुण, आध्यात्म गुण, याद है किसी को? गंध गुण कौन से गुण का टाइप है? गंध गुण, ठीक है, गंध गुण राइट आंसर है। सार्थ और इंद्रिय इज द राइट आंसर। अभी बताओ मुझे, गंध में कौन सा महाभूत पाया जाता है? गंध में कौन सा महाभूत पाया जाता है? पृथ्वी, 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 पृथ्वी इज द राइट आंसर। योगः सह उच्यते, ये कौन से गुण के लिए आया है, याद है किसी को? योगः सह उच्यते, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है गुण के रिगार्डिंग। राइट, राइट आंसर संयोग है ना, संयोग, संयोग, संयोग है कि संयोग है? संयोग है कि संयोग है? अब बताओ यार, संयोग है, संयोग है ना, संयोग लिख रहे हैं कुछ लोग यार, कुछ लोग संयोग। चलो चेक कर लेना है ना, मेरे हिसाब से संयोग होना चाहिए, संयोग लिख देता हूँ अभी तुम्हें। नेक्स्ट, नेक्स्ट पेज नंबर, पेज नंबर सिक्स। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भेद, ये सभी केवल नंबर बताना है, बस नंबर बताओ जल्दी जल्दी। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भेद 6 होते हैं, प्रत्यक्ष बाधा भाव 8 होते हैं, स्मृति कारण चरक के अकॉर्डिंग कितने होते हैं? स्मृति कारण 8, 8 राइट आंसर। इंद्रिय कितनी होती है? टोटल इंद्रिय, टोटल इंद्रिय कितनी होती है? राइट आंसर 5 थोड़ी ना होंगी, 11 राइट आंसर जाएगा। अरुण दत्त के अकॉर्डिंग कल्पनाएं कितनी होती है? अरुण दत्त के अकॉर्डिंग कल्पनाएं 7 कल्पनाएं, 7 कल्पनाएं द राइट आंसर। सुश्रुत के अकॉर्डिंग तंद्रिप्ति कितनी है? नंबर बताते चलो, ये पेज नंबर का है पूरा। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग तंद्रिप्ति 32, 32 इज द राइट आंसर। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग व्यापक इंद्रिय किसको बोला गया है? आचार्य चरक के अकॉर्डिंग व्यापक इंद्रिय किसको बोला गया है? व्यापक इंद्रिय का नाम चाहिए मुझे। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग व्यापक इंद्रिय किसको बोला गया है? त्वक, त्वक और स्पर्श। कल से ब्रेक नहीं होगी यार, आज देख लो थोड़ा सा, है ना, त्वक स्पर्श इंद्रिय, आज आज वो हिल गया है मेरा थोड़ा सा। स्पर्श इंद्रिय राइट आंसर है, रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर सुन लोगे। नंबर ऑफ सूत्र इन योग दर्शन, योग दर्शन में नंबर ऑफ सूत्र कितने हैं? नंबर ऑफ सूत्र बात हो रही है, 195, 195 है ना, 195 इज द राइट आंसर। आचार्य चरक ने कितने बाद मार्ग है ना, पाद लिख गया यहाँ पर, बाद मार्ग कर लेना करेक्शन। आचार्य चक्र चरक के अकॉर्डिंग कितने बाद मार्ग होते हैं? राइट आंसर, आचार्य चरक के अकॉर्डिंग कितने बाद मार्ग होते हैं? 44 इज द राइट आंसर। न्याय के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ गुण कितने हैं? न्याय के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ गुण जल्दी बताओ मुझे, 24। न्याय के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ गुण कितने होते हैं? नंबर ऑफ गुण 24 राइट आंसर। कारण द्रव्य संख्या बता दो मुझे, कारण द्रव्य संख्या कितनी होती है? 9। कारण द्रव्य संख्या 9 है। अनुमान के भेद बता दो न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग, न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग अनुमान के भेद कितने हैं? न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग अनुमान के भेद 3 होते हैं। वाक्यार्थ बोधक वृत्ति कितनी होती है? वाक्यार्थ बोधक वृत्ति कितनी होती है? 3 या 4, 3 या 4, 3 या 4, 5, 5 कहाँ से है? 4 राइट आंसर। अभिधा लक्षण व्यंजना तात्पर्य व्याख्या, अभिधा लक्षण व्यंजना तात्पर्य व्याख्या राइट आंसर। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग बाकी दोष कितने हैं? बाकी दोष 4, 5, 6, 7, 5 इज द राइट आंसर, 5 इज द राइट आंसर। शब्द के भेद चरक के अनुसार, शब्द, 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 फास्ट फास्ट, 4, 4। तर्क की संख्या बताओ जल्दी से, न्याय और सांख्य के अकॉर्डिंग तर्क की संख्या कितनी होती है? तर्क
तर्क की संख्या न्याय और सांख्यिकी के अकॉर्डिंग 11 एंड 5, 11 एंड 4 क्या लगाएंगे हम लोग? 11 राइट आंसर, दूसरा सांख्यिकी के अकॉर्डिंग 5, ठीक है। मूल प्रकृति कितनी होती है? मूल प्रकृति संख्या, जल्दी, मूल प्रकृति एक अकेली होती है, अव्यक्त। जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति ये किसकी अवस्थाएं होती हैं? तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग ये दो अवस्थाएं किसकी हैं? जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग किसकी अवस्थाएं हैं? तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग मारण नहीं जाएगा, मोक्ष ही राइट आंसर, मोक्ष। अरुण दत्त के अकॉर्डिंग अर्थाश्रय कितने होते हैं? अरुण दत्त के अकॉर्डिंग अर्थाश्रय संख्या बताओगे जल्दी से मुझे? अर्थाश्रय संख्या अरुण दत्त के अकॉर्डिंग 20, 21, 20, 21, 20, 20, 20 इज द राइट आंसर, ठीक है। 20 इज द राइट आंसर, ठीक है। एक मिनट रुकेंगे हम लोग, है हमारा तंत्र युक्ति पता करो, जल्दी जल्दी तंत्र युक्ति पता करो यार। नंबर ए दृष्टांत व्यक्ति, क्वेश्चन समझ लो जल्दी जल्दी। तंत्र युक्ति कौन सी है? दृष्टांत व्यक्ति कौन सी तंत्र युक्ति है? निर्दर्शन, निर्दर्शन राइट आंसर। निश्चित वचनम, निश्चित वचनम कौन सी तंत्र युक्ति के लिए आया है? निश्चित वचनम, निश्चित वचनम जल्दी से आप मुझे आंसर बता दीजिए। निश्चित वचनम कौन सी तंत्र युक्ति के लिए आया है? आप बता दो मुझे आंसर फास्ट फास्ट। निश्चित वचनम, निश्चित वचनम राइट आंसर। निर्देश, निश्चित वचनम निर्वचनम, निर्देश लिख दिया किसी ने यार, निर्देश इज द रॉन्ग आंसर, निर्वचनम। पूर्व पक्ष तंत्र युक्ति है, उसमें कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं पता है किसी को? अब मुझे आंसर जल्दी जल्दी बता दो यार। निर्देश एक तंत्र युक्ति है, इसमें कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? राइट आंसर, कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे? आक्षेप, आक्षेप इज द राइट आंसर, आक्षेप। पूर्व पक्ष प्रश्नम इज द राइट आंसर। इदम बेति, इदम वेदम बेति, ये कौन सी तंत्र युक्ति के लिए आया? इदम वेदम बेति, समुच्चय, समुच्चय रॉन्ग हो गया क्या? समुच्चय रॉन्ग हो गया है। विकल्प इज द राइट आंसर, विकल्प इज द राइट आंसर। संशय में कौन से हेतु दर्शन देखने को मिलते हैं? संशय वाली तंत्र युक्ति आपने सुनी होगी, उसमें कौन से हेतु दर्शन देखने को मिलते हैं? उभय हेतु दर्शन इज द राइट आंसर। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य कौन सी तंत्र युक्ति है? उद्देश्य, उद्देश्य, उद्देश्य बताओ मुझे यार, उद्देश्य। समास वचनम है ना, समास वचनम, ठीक है, समास वचनम। नेक्स्ट बताओ जल्दी से मुझे नेक्स्ट आंसर। अभिव्याप्य अपकर्षण ये कौन सी तंत्र युक्ति के लिए आया है? अभिव्याप्य अपकर्षण अपवर्ग के लिए है, अपवर्ग, अपवर्ग, अपवर्ग इज द राइट आंसर। विस्तार वचनम कौन सी तंत्र युक्ति है? विस्तार वचनम, विस्तार वचनम तंत्र युक्ति कौन सी है? निर्देश, 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 निर्देश इज द राइट आंसर। लॉक कर देते हैं निर्देश। प्रकरण अंतरिण समापनम, समापन हो रहा है तंत्र युक्ति का, आंसर बता दो जल्दी से। समापन कर देते हैं हम लोग, प्रकरण अंतरिण समापनम राइट आंसर। प्रसंग, प्रसंग इज द राइट आंसर। अनुमान गम्य भाव फिल करो, भाव फिल करो पहले परीक्षा से। अपतर्पणेन है ना, अब बताओ मुझे क्या जाएगा यहाँ पर सबसे पहला? ये परीक्षा मुझे करवानी है, कौन से भाव से करूंगा मैं? जो परीक्षा मुझे करनी है कौन से भाव से मैं करूंगा? जल्दी राइट आंसर क्या जाएगा? हिरियम, हिरियम, हिरियम राइट आंसर। हिरियम मतलब लज्जा, हिरियम ही पूछेंगे। उपसे यहाँ पर क्या भर दूंगा? उपसे, उपसे, उपसे का बताओ जल्दी से, जल्दी से। अनुमान गब्बे बाप चरक सूत्र विमान स्थान चैप्टर नंबर, चरक विमान चैप्टर नंबर 4 का है ये। राइट आंसर यहाँ पर क्या जाएगा? उपसय। गुणलिंग पक्का है, गुणलिंग यार, गुणलिंग किताब में जाएगा। क्या आंसर लिख दूं यहाँ पर यार? मैंने उपसय पूछा है, उपसय अनुपसय नहीं पूछा है, मेरी बात समझ लो यार। आंसर क्यों लगा रहे हो फिर? आंसर क्या जाएगा साथ में? वीर, अब वीर के बारे में बताओ मुझे जल्दी से। ये भाव है वीर, इसकी परीक्षा, परीक्षा वाला। वीरियम उत्थानेन राइट आंसर, वेरी गुड। स्मृति, स्मृति के बारे में बताऊंगा जल्दी से। स्मृति, स्मृति, स्मरण, स्मरण। अब इधर आ जाता हूँ मैं, इधर अब लेफ्ट साइड में बताओ। संग क्या है यार ये? संग मतलब संग के बारे में सुने ना, ये क्या है सब? संग, संग जल्दी, संग, संग फास्ट। रजहा, रजहा राइट आंसर। आमोद, आमोद मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, आमोद, आमोद, हर्षम आमोद, वेरी गुड। धृति, धृति की परीक्षा किससे करेंगे? धृति अनुमान गम्य भाव, धृति, धृति अलोल्यम, और लौल्यम लिख दूं क्या? अलोल्यम, अलोल्यम या लौल्यम? अमल, अमल, अमल के बारे में बताओगे मुझे? अमल, अमल क्या है ये सब? अमल पता है किसी को? अमल परीक्षा हम लोग करते हैं, परीक्षा भाव। सात्विक मन, सात्विक मन इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट फास्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट 2-3 स्लाइड हो रहे हैं फास्ट।
अब मुझे बताओ आचार्य चरक के अकॉर्डिंग प्रमाण पता लगा दो यार, ये श्लोका मैंने दे रखी है ना, ये साम त्रिकाल अमलम ज्ञानम अभ्याहतम सदा, ये कौन सा प्रमाण है पता है किसी को? सबसे पहला आप तो उपदेश, आप तो उपदेश इज द राइट आंसर, आप तो उपदेश। नेक्स्ट साग्नेयम् त्रिवर्ग साध्यते यथा, साग्नेयम् त्रिवर्ग साध्यते यथा, युक्ति युक्ति इज द राइट आंसर। एग्जाम्पल बताओ यार, मैथुनम गर्भ दर्शनात् किसका एग्जाम्पल है? षड धातु संयोगात गर्भणाम संभवस्तता, ये दोनों अनुमान के हैं, दोनों अनुमान के हैं, दोनों युक्ति के हैं, एक अनुमान एक युक्ति, राइट आंसर क्या जाएगा? ये अनुमान का है, वेरी गुड। और ये कौन सा अनुमान है? पूर्ववत शेषवत, जल्दी बताओ मुझे, पूर्ववत शेषवत कौन सा अनुमान है? शेषवत, शेषवत इज द राइट आंसर, पूर्ववत। क्या कर रहे हैं यार, ये बताओ भूतकालीन कौन सा अनुमान है, इसमें कंफ्यूज क्यों हो? भूतकालीन कौन सा अनुमान है, शेषवत या पूर्ववत? भूतकालीन शेषवत, तो राइट आंसर क्या जाएगा? शेषवत। मैथुनम गर्भ दर्शनाथ, शेषवत राइट आंसर है या नहीं? मैथुनम गर्भ दर्शनाथ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चरक विमान आठ के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन है, संभाषा के भेद कितने हैं? दिल्ली भी बताओ मुझे, संभाषा के भेद दो भेद होते हैं, वेरी गुड। श्रुतम विज्ञानम धारणम प्रतिभानम, एक और क्वालिटी है, ये सभी गुण किसके हैं? ये सभी किसके क्वालिटी दी रखी है? जल्प की कि जल्पक की? जल्प की कि जल्पक की? जल्प कुछ लोग कह रहे हैं, जल्प लिख दूंगा, जल्प। जल्पक की, जल्पक के अवगुण कितने होते हैं? जल्पक के दोष कितने हैं? जल्पक के अवगुण कितने हैं? सब कुछ कितने हैं? जल्पक के गुण कितने हैं? सब आंसर पांच, एवरीथिंग इज फाइव, राइट आंसर। बाद के भेद बताओ आचार्य चरक के अकॉर्डिंग, बाद के भेद कितने हैं? आचार्य चरक के अकॉर्डिंग बाद के भेद दो होते हैं, राइट आंसर, वेरी गुड। प्रतितंत्र किसका टाइप होता है? प्रतितंत्र इज ए टाइप ऑफ, प्रतितंत्र सिद्धांत का भेद है। फिल इन द ब्लैंक्स भरो, निश्चय किसको बोला गया है? निश्चय, फास्ट फास्ट, नाम निश्चय, जितनी जल्दी आप बता दो उतनी जल्दी मैं छोड़ दूंगा। नाम निश्चय व्यवसायों या बुद्धि नाम निश्चय, बुद्धि भी एक आंसर मुझे मिला है, बुद्धि कहाँ से आया है? व्यवसायों नाम निश्चय। दोष वचनस्य परिहरणम किसके लिए बोला गया है? दोष वचनस्य परिहरणम किसके लिए बोला गया है, राइट आंसर? दोष वचनस्य परिहरणम, निर्देश कहाँ से आया है? निर्देश कहाँ से आया है? परिहार, सही है कि नहीं? परिहार, बहुत सिंपल आंसर दिया हूँ यार, परिहार, कंफ्यूज क्यों हो रही हो? परिहार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, साध्य वचन, नामः साध्य वचन, नामः साध्य वचन, जल्दी, प्रतिज्ञा नाम साध्य वचन, वेरी गुड। पराजय प्राप्ति किसके लिए आया है? पराजय प्राप्ति किसके लिए आया है? पराजय प्राप्ति, पराजय प्राप्ति निग्रह स्थान, निग्रह स्थान नाम पराजय प्राप्ति, वेरी गुड, फास्ट फास्ट। नेक्स्ट ये बताओ मुझे, ज्ञान अभियोग सहर्ष करी भवती, ये किसकी क्वालिटी है पता है किसी भाई? किसके गुण है ये, किसके लाभ है ये? ज्ञान अभियोग संभाषा, संभाषा, वेरी गुड, तद्वित संभाषा इज द राइट आंसर। प्रकरण सम, ये किसका भेद होता है पता है किसी को? प्रकरण सम ये किसका भेद होता है? अहेतु हेतु, अहेतु हेतु विरुद्ध औसत सामान्य, क्या है ये? अहेतु इज द राइट आंसर। नाम हेतुर्दोष वचनम, बताओ जल्दी से मुझे, नाम हेतुर्दोष वचनम, फास्ट फास्ट, नाम हेतुर्दोष वचनम, राइट आंसर क्या जाएगा? उपालम, उपालम नाम हेतुर्दोष वचनम। ये बताओ मुझे, बाक और सामान्य किसके भेद होते हैं? बाक और सामान्य किसके भेद हैं? छल के भेद होते हैं, वेरी गुड, दो तरीके के छल होते हैं, राइट आंसर। ये बताओ मुझे यार, इस सिद्धांत में एक एग्जाम्पल आया, संति निदाना, संति व्याधया, संति सिद्धि उपाया, सिद्धि उपाय लिखा है, सिद्धि हो गया है, साध्यानाम इति, ये एग्जाम्पल कौन से सिद्धांत के लिए आया है? सर्वतंत्र प्रतितंत्र क्या लिखूं मैं, या फिर अधिकरण? राइट आंसर, राइट आंसर जाएगा सर्वतंत्र, सर्वतंत्र इधर राइट आंसर। फिल्म ब्लैंक्स भरो, खलु तर्को युक्त अपेक्षाया, क्या भरते हैं हम लोग यहाँ? अनुमान, अनुमान इज द राइट आंसर। अगला कोटेशन किसके लिए आई है? तू खलु तद्यत स्वयं इंद्रिय मनसाह चोपलभ्यते, ये किसके लिए आई है? दूसरी कोटेशन पता है किसी को? दूसरी कोटेशन चरक विमान चैप्टर नंबर 4, फास्ट, युक्ति रॉन्ग, युक्ति रॉन्ग, प्रत्यक्ष इज द राइट आंसर। आचार्य चरक ने ऐषणाएं कितनी बताई है, बताओ जल्दी से मुझे, आचार्य चरक ने ऐषणाएं कितनी बताई है, कौन बताएगा मुझे? ऐषणाएं तीन होती हैं, तीन इज द राइट आंसर, वेरी गुड, थ्री इज द राइट आंसर। आचार्य भेल ने कितनी ऐषणाएं बताई है? भेल, भेल, फास्ट, भेल के अकॉर्डिंग ऐषणाएं तीन, सबके तीन ही है। चलो, कृतक्ष पूर्वम त्रिविदम त्रिकालम, ये कोटेशन किसके लिए आई है? आचार्य चरक ने बोला है, याद है कौन से प्रमाण के लिए बोला है? युक्ति रॉन्ग आंसर, युक्ति रॉन्ग आंसर, अनुमान इधर, अनुमान इधर करेक्ट आंसर।
चलो बताओ कौन सा प्रमाण में आया सत्यम वक्षंती, सत्यम वक्षंती कौन से प्रमाण में आया है, पता है किसी को? आप्तोपदेश, 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 आप्तोपदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चतुष्पाद संपद व्याधि है ना, निब्रहणी, ये किसके लिए आया है पता है किसी को? लास्ट क्लू है बिल्कुल, चतुष्पाद संपद व्याधि है ना, निर्हरणी हो गया, निब्रहणी लिख गया है। आप्तोपदेश, आप्तोपदेश इज द रॉन्ग आंसर, युक्ति इज द राइट आंसर, युक्ति इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ आपका आज का रिव्यू समाप्त होता है। तो कोई भी डाउट है मुझसे भी पूछ सकते हैं आप। कल हम लोग संस्कृत का करेंगे है ना, 7:30 बजे हम लोग करेंगे संस्कृत का, संस्कृत में 1 घंटा ही लगने वाला है। और कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग और ये PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा ग्रुप में, PDF अभी भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग आपको सुबह तक मिल जाएगी। ठीक है, चलिए।